नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा, प्रधानमंत्री ने श्री आडवाणी को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में 108 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत, कॉलेज सहित कई घोषणाएं भी की। और कवर्धा में 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड, मानक जिला स्तरीय प्रदर्शनी और प्रादर्श प्रतियोगिता में जुटे स्कूली बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के 412 किलोमीटर लंबे धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का उद्घाटन किया। ऊर्जा गंगा के तहत 2450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये परियोजना ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान यानी समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा। हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले हैं, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 2660 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इससे ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में सुधार होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 28,980 करोड़ की विभिन्न बिजली परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला 20वीं सदी की दृष्टि से नहीं बल्कि नई सोच और सुधारों से ही संभव है। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार किसी एक देश में न्याय पाने के लिए दूसरे देश के साथ मिलकर काम करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि दूसरे देश के साथ मिलकर काम करने से एकरूपता कायम होती है और जल्द न्याय दिलाना संभव होता है। देयर आर मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम अफ्रीका हियर। इंडिया हैज अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द अफ्रीकन यूनियन। वी आर प्राउड दैट द अफ्रीकन यूनियन बिकेम अ पार्ट ऑफ द G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी।
In the last few months, I have interacted with the legal fraternity on many occasions. A few days ago, I was at the celebration of 75 years of the Supreme Court of India. Last September, in this very location, I came to the International Lawyers Conference. Such interactions help us appreciate the work of our justice system. These are also opportunities to resolve for better and faster justice delivery. इस अवसर पर विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि तकनीक ने विश्व समुदाय को जोड़ दिया है और आज की वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी वैश्विक स्तर का होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि न्याय की उपलब्धता में सीमा पार की चुनौतियां विश्व विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में न्यायपालिका में बदलाव, वकालत के नैतिक पहलुओं, कार्यपालिका की जवाबदेही और मौजूदा विधिक शिक्षा पर नए सिरे से चर्चा होगी। सम्मेलन में एशिया प्रांत, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों के महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आडवाणी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि श्री आडवाणी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री आडवाणी ने जीवन जमीनी स्तर से लेकर उप प्रधानमंत्री तक के रूप में देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी ने गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की और उनका संसदीय जीवन अनुकरणीय तथा समृद्ध अंतर्दृष्टि से युक्त रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में श्री आडवाणी की कई दशकों की सेवा पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट निष्ठा का उदाहरण रही है। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी ने राजनीतिक नैतिकता के मामले में अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं और राष्ट्रीय एकता तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से उनके प्रयास अद्वितीय रहे हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि श्री आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके लिए बेहद भावुक पल है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बोल वाला, किटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नारायणपुर जिले में 108 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 22 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 29 विकास कार्यों का लोकार्पण और 86 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के 52 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने अबूझमाड़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय स्थापना की घोषणा की। उन्होंने खिलाड़ियों के आग्रह पर तीर कमान पर भी हाथ आजमाया और निशाना लगाया। मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों शुरू किए गए विकास कार्यों में नल जल योजना, भवन निर्माण, पुल पुलिया, सड़क निर्माण और आंगनवाड़ी निर्माण शामिल है। इस अवसर पर वन तथा जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप और आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम सहित प्रशासनिक अफसर और आमजन उपस्थित थे। स्वामी आत्मनंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय कवर्धा में 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड्स मानक जिला स्तरीय प्रदर्शनी और प्रादर्श प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें कबीरधाम, राजनांदगांव और बालोद के चयनित बाल वैज्ञानिकों सहित 434 प्रतिभागी और 50 से अधिक अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने विद्यार्थियों को विज्ञान में
नवाचार के माध्यम से देश विदेश में छत्तीसगढ़ का परचम लहराने के लिए प्रेरित किया। नेशनल इंस्पायर फाउंडेशन से मुख्य आंकलनकर्ता राज्य प्रतिनिधि सुदीप बनर्जी और जिला नोडल अधिकारी यूआर चंद्राकर ने कहा कि मॉडल की बारीकियों पर चर्चा करते हुए उत्कृष्ट कार्यशील मॉडल को रेखांकित किया। 5 जोन बनाए गए हैं जिसमें एक जोन जिसको सर्वाधिक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। 5 जोन से लगभग इसमें 10% मॉडल में पूरे भारत देश से करीब करीब 10,000 मॉडल का चयन, लाखों मॉडल प्रस्तुत करते हैं जिसमें से 10,000 का चयन SNEP के लिए होता है। फिर ये बच्चे जो सेलेक्ट होके जाएंगे यहाँ से वो SNEP के लिए जाएंगे, SNEP से फिर नेशनल NLEP के लिए करीब करीब 1,000 मॉडल चयनित होते हैं। ये 1,000 मॉडल दिल्ली जाता है और फिर दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए 60 मॉडल का चयन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि शहर के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2 दिनों में बारी बारी से प्रदर्शनी स्थल पर मॉडल प्रायोजना का अवलोकन कराए जाने समय सारणी भी जारी की गई है। अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बिलासपुर जिले के ग्राम मूढ़ीपार में सतनामी समाज के 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। मंत्री बघेल ने इस दौरान बताया कि वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है अथवा जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वे हितग्राही शासकीय उचित मूल्य की दुकान में जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दुर्ग जिले में यातायात पुलिस के हेलमेट अभियान को सफल बनाने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भी जुटे हैं। श्री सेन ने सुपेला 4 लेन के समीप दोपहिया बाइक चालकों से हेलमेट की अनिवार्यता और सुरक्षित जीवन के लिए हेलमेट बगैर वाहन चलाने के खतरों के प्रति आगाह किया। वहीं उन्होंने निशुल्क हेलमेट का भी वितरण किया। कोंडागांव की विधायक लता उसेंडी ने गुरुवार को चीपावंड में प्राथमिक सहकारी समिति के गोदाम सह दुकान ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के तहत 25.56 लाख रुपए लागत से बने गोदाम सह दुकान एवं कार्यालय भवन तथा यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य कर रही है और हर एक वादे पूरे किए जाएंगे। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कृषि एवं सहयोगी विभागों द्वारा संचालित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से सभी किसानों को लाभान्वित करने पर जोर देते हुए 100% किसानों का क्रेडिट कार्ड बनाने तथा सभी पात्र किसानों का प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन मिशन मोड करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा, प्रधानमंत्री ने श्री आडवाणी को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में 108 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत, कॉलेज सहित कई घोषणाएं भी की। और कवर्धा में 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक जिला स्तरीय प्रदर्शनी और प्रादर्श प्रतियोगिता में जुटे स्कूली बच्चे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।